रूल्स टू ड्रॉ इमेजेस बाय कनकेव मिरर. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ लाइन. इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. वी कॉल दिस लाइन एज अ प्रिंसिपल एक्सिस. हाँ जी. सो फर्स्ट रूल प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर हमें एक कनकेव मिरर बनाना होगा. तो कनकेव मिरर बनाने के लिए हम कंपास को कुछ इस प्रकार सेट करेंगे. यहाँ से ये बिल्कुल दिखे 90 इसकी लाइन आ रही है. तो 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री का एंगल ऊपर को खींच लेते हैं और 30 डिग्री का ही नीचे को 10 20 एंड 30. तो देखिए एकदम सही से कनकेव मिरर बना है. कनकेव मिरर कौन सा होता है? दिस इज़ अ रिफ्लेक्टिंग मिरर जो लाइट को कन्वर्ज करता है. ठीक है, तो ये हो गया एक कनकेव मिरर है. तो रूल फर्स्ट क्या है इमेज बनाने के लिए? फर्स्ट रूल है जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, मतलब बहुत दूर से पीछे से लाइट आ रही है, दिस इज़ द लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये एक लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है. इस पर स्ट्राइक करने के बाद लाइट एक पॉइंट्स पे कन्वर्ज होगी. उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस पॉइंट. कंसिडर यहाँ से ये इस पॉइंट पर ज्वाइन हो रही है. तो ये हो गया हमारा फोकस पॉइंट. ठीक है, अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी अगर कोई लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है तो कहाँ पे ज्वाइन होगी? हमेशा वो फोकस पॉइंट पे. दिस इज़ द रूल नंबर वन. हमें एरोज भी साथ साथ ऐसे बनाने हैं. तो ये मैं इमेज का केस नहीं बता रहा आपको, ये मैं जस्ट एक रूल बता रहा हूँ कि कौन सा रूल है जिससे हम इमेज को बना सकते हैं. तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज़ अ कनकेव मिरर, लाइट इज़ कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो दोनों स्ट्राइक होने के बाद जिस पॉइंट पे जुड़ते हैं वो पॉइंट होगा फोकस. तो ये रूल है, इसको हम वर्ड्स में लिख सकते हैं, व्हेन लाइट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इट मीट्स एट फोकस. ठीक है, ये होगा रूल नंबर वन. इसके बाद रूल नंबर टू, सेकेंड रूल. अगेन मैं फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ करूँगा. अगेन दिस इज़ अ कनकेव मिरर. ये पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल. दिस पॉइंट इज पोल. दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, अब फोकस पॉइंट आपको पता लग गया है. फोकस के लिए आप यहाँ से कुछ लेंथ कंसीडर कर सकते हैं. यहाँ से जैसे मैं हम कंसीडर कर रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर पर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर पर फोकस है, उतने ही डिस्टेंस पे क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है फोकस. अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर पर क्या है? 3 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो फर्स्ट रूल हो चुका है, लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आई, फोकस में क्रॉस हो रही है. सेकंड रूल, अगर हम लाइट को फोकस से क्रॉस करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है. अगर ऑब्जेक्ट से लाइट फोकस से क्रॉस हो रही है, ये देखिए ये फोकस से क्रॉस हुई और कहाँ पर स्ट्राइक कर गई? मिरर पर. इससे स्ट्राइक करने के बाद लाइट कहाँ को जाएगी? लाइट जाएगी बैक टू द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये बिल्कुल, ये वाला जो सेकंड रूल है ये फर्स्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है. फर्स्ट रूल में क्या हो रहा था? फर्स्ट रूल में लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल आने के बाद फोकस पे क्रॉस हो रही है. यहाँ पर लाइट क्रॉस कहाँ से हो रही है? फोकस पे. फोकस पे क्रॉस होने के बाद स्ट्राइक करके पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और ये कनकेव मिरर. तो ये दो रूल्स हो गए. अब नेक्स्ट है रूल नंबर थर्ड. थर्ड रूल में अगेन पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं. ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर एक छोटा सा कनकेव मिरर. ओके, दिस पॉइंट इज पोल. यहाँ से 3 सेंटीमीटर पीछे फोकस पॉइंट और फिर 3 सेंटीमीटर पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर. आप 2.5 सेंटीमीटर के या 4 सेंटीमीटर के कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, बट डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो ये दो रूल हो चुके हैं. अब थर्ड रूल, अगर लाइट यहाँ पर पोल पे स्ट्राइक करती है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. ठीक है, दिस इज़ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा है. अगर ऑब्जेक्ट से लाइट को हम पोल पे स्ट्राइक करते हैं,
तो ये लाइट होगी पोल पे स्ट्राइक होगी। अब जितने एंगल से लाइट आई है उतने ही एंगल से लाइट वापस चली जाएगी, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने पढ़ा होगा जब रिफ्लेक्शन की आपने डेफिनेशन पढ़ी है, लॉस क्या है रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए ये एंगल है इंसिडेंस, किस एंगल से लाइट आ रही है, इस एंगल से लाइट आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये लाइट आने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंस एंगल, और इस पे स्ट्राइक करने के बाद, पोल पे स्ट्राइक करने के बाद लाइट वापस जा रही है, और ये वाला होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई और एंगल आर अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, सो दिस इज द रूल नंबर थर्ड। नेक्स्ट रूल है फोर्थ। तो अगर आपको लाइट के रूल्स पता होंगे तो साथ साथ आप इमेज आसानी से बना सकते हैं। अगेन फोर्थ रूल के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद यहाँ पर हम कनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर पेंटेड सरफेस आउटसाइड है, कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, ये पॉइंट पोल, यहाँ से अगेन 3 सेंटीमीटर पीछे फोकस पॉइंट, अगेन 3 सेंटीमीटर के पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है, अगर यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगर मैं अब लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करता हूँ, ठीक है, थोड़ा इस केस में मुझे कनकेव मिरर को बड़े साइज़ का बनाना होगा, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करते हैं ऐसे, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले गई मिरर पे, तो इस पर स्ट्राइक करने के बाद लाइट वापस आ रही है, तो वापस कहाँ से आ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे, ठीक है। तो यह है लाइट का फोर्थ रूल। तो ये देखिए लाइट, ये ऑब्जेक्ट था, ये इस ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है इस डायरेक्शन में, इस पे स्ट्राइक होने के बाद लाइट क्या आ रही है वापस, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो ये चार रूल्स हैं, इन्हीं चार रूल्स की हेल्प से हम जो है इमेज 6 की 6 इमेजेस बना सकते हैं यूजिंग कनकेव मिरर। मोस्टली जो मैं यूज़ करूँगा रूल्स, ये फर्स्ट टू रूल यूज़ करूँगा, क्योंकि इन दोनों से बड़ी ईजिली इमेज बन जाती है। आप कोई भी चार में से कोई भी दो रूल यूज़ कर सकते हैं। इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 लाइट्स की रिक्वायरमेंट है, तो 2 लाइट रेज आपको शो करनी होंगी, ठीक है। तो ये मैंने इसके हाईलाइट पॉइंट्स लिख दिए। फर्स्ट है व्हेन लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से आई फोकस पे क्रॉस होगी। सेकंड है लाइट गोज फ्रॉम फोकस देन रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला, अगर लाइट को हम फोकस से क्रॉस करते हैं, यहाँ पर देखिए फोकस से क्रॉस किया तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट आ चुकी है। रूल नंबर थर्ड में यहाँ पर इफ लाइट स्ट्राइक्स एट पोल इट रिफ्लेक्ट्स बैक विद सेम एंगल एज इंसिडेंस। जितने एंगल से लाइट आई उतने एंगल से लाइट वापस चली जाएगी। लास्ट फोर्थ रूल है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, फोर्थ रूल है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करेंगे तो ये कुछ इस तरह बनेगी। इन चारों रूल्स को मैं ये है जो हमने नोटबुक पे बनाया, आप बुक में भी डायरेक्टली दे सकते हैं। हेयर यू कैन सी दोबारा से वही चारों के चार रूल्स सबमिट। हाँ जी, तो ये देखिए रूल, ये है कनकेव मिरर, ये पॉइंट पोल और ये है फोकस। जितने डिस्टेंस पे फोकस है उतने डिस्टेंस पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इस पे स्ट्राइक करने के बाद कहाँ पे क्रॉस होगी, हमेशा फोकस पे, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल बना रखी है, नॉर्मल इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। ये दोबारा से दिखा रखा है सेम सेकंड केस, लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगेन रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द फोकस। ये इसका सेकंड वाला केस जो हमने किया, अगर लाइट को हम फोकस से क्रॉस करते हैं तो कहाँ पे आती है,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये थर्ड वाला, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करती है तो सेंटर ऑफ उसी बिल्कुल उसी दिशा में वापस आ जाएगी, जिस दिशा में गई है लाइट उसी दिशा में वापस आ जाएगी। तो इन रूल से हम इमेज बनाएंगे। सो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस यूजिंग कनकेव मिरर।